हेलो एवरीवन, चलो भैया। हाँ, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू लॉ। अच्छा, अब सी क्या है बेसिकली इस चैप्टर में, आपको क्या दिया है बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे जाते हैं। इसमें ना एसेंशियली आपको सबसे पहले वर्ड लॉ दे ट्राइड कि आप उसका एक मीनिंग कन्वे कर पाओ कि लॉ का मतलब क्या है, और दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस किस तरीके से लॉ की डेफिनेशन, उसका मीनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ वो बताया हुआ है। सो एंशंट हिस्ट्री से अगर आप बिल्कुल बेसिस से स्टार्ट करें कि पहली बार जब वर्ड लॉ यूज़ हुआ या फिर इसके इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने यूज़ किए तो किस फॉर्म में यूज़ किए, और सक्सीडिंगली जैसे आप आगे गए एज यू प्रोग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑब्वियसली उसमें किस तरीके के चेंजेस हैं, राइट, वो यहाँ पर आपको बताया हुआ है। चैप्टर बिल्कुल हार्डकोर थियोरिटिकल है, ऐसा जिसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, और सबका इंटेंशन अल्टीमेटली एक ही है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लॉ क्या क्या है बेसिकली, और दूसरा उसके क्या क्या मीनिंग्स, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस आप लोगों ने ओवर पीरियड ऑफ टाइम असाइन किया ना, इज एसेंशियली द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा ना पहले प्रेजेंट लॉ की बात करते हैं, जो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हाल फिलहाल में अगर इंडिया में आपको कोई सा भी एक्ट इनैक्ट करना है, राइट, कोई भी नया लॉ अगर आपने पास करना है या बनाना है या फिर अप्रूव करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, राइट। अच्छा, अब जैसे अपने यहाँ पे लॉ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज गवर्नमेंट, दोनों मोदी है इसलिए हमको डिफरेंस पता नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, ऐसे टाइम पे आवाज़ ही नहीं निकलती ना तुम लोग, पता नहीं कहीं चली जाती है जी, कोई थॉट, ओके। अब सी, अब अगर ये समझना है ना कि किस तरीके से अपने यहाँ पे लॉ हम लोग इनैक्ट करते हैं, सो जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ऑफिसेज को हम लोग एसेंशियली दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, पहला विच इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, और दूसरा आपकी स्टेट गवर्नमेंट। अब जब आप बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या है, द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और जब आप बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, इट मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। है ना, सो एक आपकी सेंटर की गवर्नमेंट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी एक स्टेट के लिए गवर्नमेंट हो जाती है विच इज स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के दो हाउसेस कौन कौन से, अपर हाउस लोअर हाउस, कौन सा लोअर हाउस कौन सा अपर हाउस, हाँ जी, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसमें कौन सा अपर हाउस है कौन सा लोअर हाउस है, राज्यसभा इज लोअर हाउस, लोकसभा इज, राज्यसभा इज अपर हाउस, लोकसभा इज लोअर हाउस। सो पहला आपका लोअर हाउस विच इज लोकसभा, और दूसरा आपका अपर हाउस विच इज, सॉरी, विच इज राज्यसभा। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, एसेंशियली आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जितने भी मेंबर्स जो एसएलए में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, उन्हें हम बोलते हैं काउंसिल मेंबर्स। और एमपी एमएलए सुना होगा ना, आपने वर्ड सुना होगा है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आपका ये एमएलए इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। डन। अच्छा, अब सी जहाँ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या है, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ द हाइएस्ट लॉ इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपने जितने भी पावर्स हैं गवर्नमेंट के, उसे आपने तीन लिस्ट में क्लासीफाई किए, तीन बकेट्स में क्लासीफाई किया। पहली लिस्ट विच इज कॉल्ड एज यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट विच इज कॉल्ड एज स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड विच इज कॉल्ड एज कंकरेंट लिस्ट। इसे हमने स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने सिविक्स में, बट अनफॉर्चुनेटली एट एन एज वेयर वी डोंट अंडरस्टैंड वॉट इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स आर ऑल अबाउट, है ना। सो ये जितने भी पावर्स थे, गवर्नमेंटल पावर्स थे, आपने उसे तीन लिस्ट में क्लासीफाई किया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। अच्छा, अब जो भी आइटम्स आपकी यूनियन लिस्ट में फॉल करते हैं,
इन सभी आइटम्स के ऊपर लॉ बनाने के राइट्स किसके पास है? इट इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट. जो इश्यूज किस में फॉल करते हैं? यूनियन लिस्ट में, राइट. अच्छा, जो इश्यूज आपके स्टेट लिस्ट में फॉल करते हैं उसके ऊपर लॉ कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. और जो आइटम्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं इसके ऊपर लॉ बनाने के पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है. दोनों के पास इसके पावर्स हैं. नाउ अब अगर ऐसा हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, मतलब दोनों के लॉज में डिफरेंस है, अगर इश्यूज हैं, तो उस केस में व्हाट शैल प्रिवेल ओवर व्हाट? एनी लॉ विच इज फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल ओवर द लॉज फ्रेम्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. मतलब अगर डिस्प्यूट होता है किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? द वन विच इज बेसिकली इनेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिवेल ओवर द वन विच इज इनेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. ये बात क्लियर है सबको? एवरी वन? हाँ जी. नाउ अब जैसे एक छोटा सा हम लोग इनैक्टमेंट के बारे में बात करते हैं. अब आपके सिलेबस में आप ऐसे देखो, यू हैव पार्टनरशिप, यू हैव कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल है. अब ये जो चारों लेजिस्लेशन है ना, ये बहुत पुराने लेजिस्लेशन हैं, राइट. कुछ ऐसे लेजिस्लेशन है जो 100 साल पुराने हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा पुराने हैं. तो हाल फिलहाल में जो समथिंग विच इज़ वेरी लेटेस्ट, राइट, उसको भी अब 4-5 साल हो गए खैर, बट जो एकदम लेटेस्ट है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट. So this was passed in the year 2013, effective from 1st of April 2014. Tera bhi aaya na? No? Aaya samajh mein sir. Haan ji. Ab iska thoda sa background dekhna. See, jab bhi hum log koi act banate hai na, to act at the very first stage is always in the form of a bill, एक proposal के form में होता है. तो जब आप इसे parliament में introduce करते हैं, now this is a central law. Central law मतलब it is applicable to the entire nation, of course with few exceptions with respect to Jammu and Kashmir, JNK को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया को ये law essentially applicable है. तो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई नया law propose करते हैं before the parliament, so it is always in the form of a bill. Bill is nothing but a proposal. और ये बिल हम लोग सबसे पहले किसके सामने प्रेजेंट करते हैं? वी प्रेजेंट इट बिफोर लोकसभा, है ना. सो पहले किसके सामने जाता है बिल? लोकसभा के सामने. अच्छा, जैसे ये लोकसभा के सामने जाता है, आप समझना जरा, लोकसभा में कौन बैठता है? जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं, है ना. सो आपने अगर लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत सुना पड़ा, सो यू गॉट 545 ऑड सीट्स, है ना, 545 सीट्स हैं. अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस होते हैं और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राइट, वो सब के सब दे फॉर्म वन बॉडी विच इज कॉल्ड एज लोकसभा. सो इट्स अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, है ना, ऐसा हम लोग बोलते हैं. नाउ लोकसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स क्या उस लेवल पर एजुकेटेड हैं या क्या उस लेवल पर इन्फॉर्म्ड हैं कि ये लोग कंपनी लॉ की इंट्रिकेसी समझ सकें, कॉर्पोरेट्स की एक्सपेक्टेशन समझ सकें, स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन समझ सकें और उसके बेसिस पे एक लॉ पास करें जो फेयर एंड फाइन हो, राइट, जो हर टर्म्स में फेयर हो, कि यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सूटेबल है, सस्टेनेबल है, वो उनके लिए मुश्किल होता है. तो लोकसभा क्या करती है? दे बेसिकली फॉर्म अ पार्लियामेंट्री कमेटी. ये क्या करते हैं? एक पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म करते हैं और फिर ये पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है? डिस्कशंस करती है. किसके ऊपर? इस प्रेजेंट लॉ के ऊपर, उस बिल के ऊपर डिस्कशंस होते हैं कि उसमें क्या चेंजेस, क्या प्रोविजंस, क्या अमेंडमेंट्स की जरूरत है और कौन सा लॉ फाइनल फॉर्म में एक्चुअली में पास होना चाहिए. तो लोकसभा ने क्या किया? पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म की. फिर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये क्या करती है? अपनी फाइनल रिपोर्ट आफ्टर ऑल इट्स रिव्यूज, ये क्या करती है? अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है टू लोकसभा. वो सब किसके सामने जाता है? लोकसभा के सामने जाता है. पीसी इज पार्लियामेंट्री कमेटी, एलएस इज लोकसभा. डन. अच्छा, जो पार्लियामेंट्री के कमेटी के सजेशंस होते हैं, राइट, वो सारे सजेशंस हम लोग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड
99.99% जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने अप्रूव किया है वो लोकसभा में अप्रूव हो जाता है, राइट? अनटिल उसमें सच में कोई पॉलिटिकल फैक्टर इन्वॉल्व है, अदरवाइज वो अप्रूव हो जाता है. क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो कंपनी लॉ समझेंगे? अपने को समझने में दिक्कत से कहाँ आशा रखोगे ना कि वो लोग समझ पाएंगे इतना सब कुछ. तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आती है वो एज इट इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस अप्रूव हो जाती है. कहाँ डिस्कशंस होते हैं, जैसे अभी आपने ट्रिपल तलाक पे सुना होगा, भयंकर वाले डिस्कशंस चल रहे थे, राइट? रफेल डील के बारे में आपने सुना होगा, चिल्लाई जा रही है पब्लिक, क्यों पता ही नहीं किसी को. कांग्रेस का कुछ कहना है, ऑपोजिशन का कुछ कहना है, फिर बीजेपी वाले कुछ कहते हैं, रूलिंग पार्टी कुछ अपने हिसाब से ही अलग फंडे लगा रही है, तो चलता रहता है वो डिस्कशन, राइट? बहुत बार आपने दिखा होगा वो सेशंस हम लोग अडजर्न कर देते हैं, राइट? क्यों? चीज़ें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि जो चेयरपर्सन है उनको समझ भी नहीं आता है कि अब करना क्या है ना. वो फिर बहुत हुड़दंग की जनता भी रहती है, वो टेबल वेबल उठा लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, सब हो जाता है. इंडियन पार्लियामेंट में तो डेमोक्रेसी स्टार्ट्स फ्रॉम इंडियन पार्लियामेंट. तो वो जो हम लोग को एक बिल्कुल इंडिपेंडेंस का एक राइट दे दिया है वो हम लोग इतना गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज एवरी वन नोज दैट इट इज़ लाइव. लोकसभा के सारे सेशंस आर लाइव, इट इज़ ऑन टीवी, और नेशनल चैनल पे भी इन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस होता है, पूरी पूरी टेबल उठा लेते हैं, दारा सिंह टाइप यार. तो कॉन्फिडेंस है. डेमोक्रेसी अगेन, वो एक शब्द जब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया, हम लोगों ने उसको इस रॉयल तरीके से धज्जा उड़ाई ना उसकी कि मतलब सच में दूसरा कोई देश सोचेगा डेमोक्रेसी डिक्लेयर करने के पहले. एंड कितनी बड़ी बड़ी आप डेवलप नेशंस के बारे में कभी पढ़ना, व्हाट दे अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया, और उनका जो मेन मुद्दा रहता है ना रिसर्च का, वो यही रहता है कि विथ अ पॉपुलेशन बेस ऑफ नियरली 132 crores, विच इज़ नेक्स्ट टू चाइना, चाइना इज 138 crores, सो सिर्फ 6 crore का डिफरेंस है. लैंड बैंक इज 1/3 ऑफ वॉट चाइना हैज़. इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. लोग काम कैसे करते हैं, मतलब देश चल कैसे रहा है, सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तक आप यहाँ पे रहते हो ना आपको नहीं समझ में आता है ये देश, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि रूटीन है. अपने को कभी ऐसा लगता, हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि कुछ डिस्टर्ब हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. आप एक बार ना इंडिया के बाहर ट्रैवल करना, 7-8 दिन 15 दिन आप बाहर स्पेंड करो, एंड व्हेन यू कम बैक टू इंडिया, कसम से द फर्स्ट थॉट दैट वुड कम टू योर माइंड इज ये देश चल कैसे रहा है. तो देयर इज नो क्वेश्चन, देयर इज नो रिजर्वेशन अबाउट. मैं जब भी बाहर से आया हूँ एंड आई हैव लैंडेड बैक, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, सिग्नल, मामा, रिश्वत, चोरी चकारी, ये इतना कॉमन है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है यूजुअली लैंड एट मुंबई, पुणे का एयरपोर्ट बहुत छोटा, बॉम्बे आप लैंड करते हो, और बॉम्बे अपने आप में एक अलग दुनिया है, यू नो. तो वो किसी देश का पार्ट ही नहीं वो. और बॉम्बे तो सच में कैसे चल रहा है किसी को समझ में नहीं आता. अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो ना बॉम्बे कैसे चल रहा है, दादर स्टेशन सुबह 10 बजे जाके खड़े हो जाना वर्किंग डे पर, आपको समझ में आ जाएगा. और वो जो हम लोग सिस्टम्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिविटी की बात करते हैं ना, सब फेल है उधर, सब फेल है यार. मतलब क्या हालत होती है, बॉम्बे की लोकल की लाइन चालू होती है, ऊपर प्लेटफॉर्म तो पूरा भरा हुआ है, स्टेयर्स पूरी भरी हुई है, ऊपर जो आपका ये पैसेज रहता है वेयर पीपल वॉक वो भी पूरा भरा हुआ है. एंड इतना सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है ना, एक फ्लो आगे जाता है, एक लोकल गई, फिर एक फ्लो आगे गया, फिर एक लोकल गई, फिर एक फ्लो आगे गया, आप 10-15 मिनट में लोकल के आसपास पहुंचते हो. लोकल के आसपास पहुंचे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इतना सेल्फ ऑपरेटिव मोड पे चलती है ना चीजें, सब अपने आप ही होता रहता है वहां, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है. मैं तो हमेशा, मैंने जब जब लोकल में ट्रैवल किया ना, मैं अपने पीछे एक आध अंकल रहते हैं, और बॉम्बे का बैग लटकाने का सिस्टम भी उल्टा ना, कोई पीछे नहीं लटका, पीछे लटकाया तो निपटा आदमी, तो आगे बैग लटकाते हैं क्योंकि आप कंट्रोल कर सकते हो ना, पीछे लटकाया किसी ने ऐसा बैग गया तो लोकल के बाहर, तो आगे इंसान बैग वो उल्टा ऐसे करके लटकाता है. आप बस अपने पीछे अंकल है ना, अंकल अंधेरी उतरना है, कोई बात नहीं. तो और वो बॉम्बे वाले जो प्रॉपर बॉम्बे वाले अलग ही दिख जाते हैं, उनको बस बोलो अंधेरी उतरना है. जैसे ही लोकल आएगी आंख बंद कर लेना, भगवान का नाम लेना, मतलब 2 सेकंड तो तब होंगे कि आप लोकल के अंदर हो गए, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अपन अंदर कैसे गए, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है वो प्रोसेस. इंसान अंदर गया, अंधेरी आने वाला है, पीछे वाला अंकल आपको बोल देंगे अंधेरी आ रहा है, 5 मिनट पहले आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, बहुत आगे भी आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधा क्राउड उधर ही उतरता है. तो उनको पहले बोलूंगा अंकल यही स्टेशन पे उतरना है, वापस आंख बंद करो, भगवान का नाम लो, 2 सेकंड तब होंगे जब आप प्लेटफॉर्म पे होगे, कोई दिक्कत ही नहीं. इतना इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना लोगों की वहां पे कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल है, मतलब सच में. और
आप कोई ऐसे देश में जाना जहाँ विच इज़ यू नो लेस पॉपुलस. इनफैक्ट मैं चाइना भी गया ना, चाइना की पॉपुलेशन फिर भी है थोड़ी ज़्यादा, बट लैंड बैंक इतना है उनका, वहाँ पे इतना फील नहीं होता. अब आप वैसे चाइना में आप किसी सिटी में जाना और आप जो चाइना की मोस्ट पॉपुलर सिटी और आप इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी, दोनों जगह डिफरेंस देखना हक्का बक्का हो जाए इंसान, मतलब समझ में ही नहीं आता कि करना क्या. तो अभी कब मैं लास्ट टाइम सिंगापुर गया, सिंगापुर से वापस आया ना, मेरे को तो मैं एक अलग ही जोन में चला गया कसम से. मेरे को अब सिंगापुर में क्या, बहुत कम लोग, जगह ही जगह है, रोड पे भी लेट जाओ तो भी गाड़ी आपके ऊपर से नहीं निकलेगी, इतनी जगह है. तो वेरी वेल प्लान्ड सिटी, छोटी सी है, बहुत कम लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं उसमें भी मैक्सिमम, तो बहुत सिस्टमैटिक है वहाँ पे. आप डिसिप्लिन देखो, आप रश देखो, सब धीरे से लोग आते हैं, धीरे से जाते हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड, दे मेंटेन अ क्लास. अपने वह फाइव स्टार्स में भी वैसी हालत नहीं है जो वहाँ की स्ट्रीट्स की कंडीशन है. तो अपने अभी फाइव स्टार्स भी फ्लडेड है. आप एयरपोर्ट पे जाना किसी वर्किंग डे पे, आप आफ्टरनून में बॉम्बे का डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखना, उसकी हालत रेलवे स्टेशन से भी ख़राब है, इतनी भयंकर जनता है अपने आप पे. तो आप आसपास वहाँ आप एकदम शांति, पीपल आर काम क्वाइट, और आप वापस इंडिया आते हो, यू लैंड, और जंग कहाँ से चालू होती है पता है, फ्लाइट से. जैसे अनाउंसमेंट होता है ना कि बस वो फ्लाइट ने लैंड किया, पहली चीज़ इंसान मोबाइल, जैसे प्राइम मिनिस्टर की औलाद है ना, कोई फ़ोन करने वाला है तेरे को, पहली चीज़ मोबाइल ऑन करता है. और फ्लाइट रुकी नहीं, उसने ब्रेक लगाया और हम लोग सब उठ के खड़े हो जाते हैं. सबसे पहले जाना है, सबसे बिजी अपन लोग ये दुनिया में, सब उठ के खड़े हो जाते, बैग बस्ते सब निकाल के, टांग वांग के, बस गेट खुला ना, कूदो साला नीचे, इमरजेंसी लैंडिंग टाइप तो हालत हो जाती है. अब बारह प्लान करना, कोई नहीं उठता यार, और सिर्फ उठने वाला एक ही इंसान रहता है इंडियन. अब सच में देखना, मतलब मैं लास्ट टाइम भी गया ना, पूरी फ्लाइट सब एक आराम से डिसेंट जनता आराम से बैठी हुई है, 25-30 इंडियंस, फ्लाइट बज गए चालू. तो समझ में आ जाता है, इंडियंस इतने हाईलाइटेड है ना, कहीं पर भी जाए ना, एक तो दे अट्रैक्ट गुडनेस, यू नो, जहाँ पे हम लोग जाते हैं ना अपने टाइप के लोग अपने को मिल जाते हैं, कहीं पर भी आप जाओ, अपनी पॉपुलेशन भी इतनी है और अपना रीच इतना बढ़िया है ना भारतीयों का. यूके जैसे अपने को यूके में बैन किया हुआ है ना, गुजराती को तो पर्टिकुलरली बैन किया, आपने पढ़ा होगा अपना पटेल सॉरी सब कम्युनिटी को बैन किया हुआ है, उधर जाने ही नहीं देते. क्यों? जिस मात्रा में ये लोग गए उस देश में, यू नो, और जिस मात्रा में उन्होंने वहां जाके कार्यक्रम किए, तो अब ऐसा हो गया कि यूके की पब्लिक अपने ही देश में माइनॉरिटी बन गई और गुजराती मेजॉरिटी में है. तो ये इंडिया का प्रोमिनेंस है, ये हमारा वर्चस्व है. अब कहाँ कोई अपने से आमने सामने भी नहीं है यार, मतलब. तो ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, सेम हालत अपनी पार्लियामेंट में भी, डेमोक्रेसी, मतलब सच में रिसर्च करना चाहिए. और आप जैसे ही वापस आओगे ना, आपको सच में फील आएगा कि देश कैसे चल रहा है. दो दिन बाद यू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, अपने को ऐसा लगता है हाँ सालों सालों से चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, इसमें क्वेश्चन कहाँ है. तो दैट्स वेयर द डिफरेंस लाइज. हाँ जी, सो लोकसभा के सामने रिपोर्ट आई, लोकसभा ने अप्रूव किया. जैसे ही लोकसभा का अप्रूवल आता है, दिस बिल इज प्लेस्ड बिफोर द अपर हाउस. अपर हाउस कौन सा? राज्यसभा. सो पहले लोकसभा में अप्रूव किया, बाद में इट वेंट टू राज्यसभा. राज्यसभा ने अप्रूव किया. अच्छा, जैसे ही राज्यसभा का अप्रूवल आया, दोनों हाउसेस ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद इट गोज टू द प्रेसिडेंट. किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट फॉर सिग्नेचर्स. एक बार प्रेसिडेंट ने साइन किया, इट स्टिल डजंट बिकम लॉ. प्रेसिडेंट का साइन हुआ, उसके बाद इट इज नोटिफाइड. अच्छा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस, लोकसभा का अप्रूवल है, राज्यसभा का अप्रूवल है, प्रेसिडेंट ने साइन करने से मना कर दिया, होगा ही नहीं. तो जो बिल लोकसभा ने अप्रूव किया, देयर आर ग्रेट चांसेस राज्यसभा भी अप्रूव कर देगा, अनटिल अनलेस अपर हाउस में मेजॉरिटी ऑपोजिशन की है. जो राज्यसभा ने अप्रूव किया, देयर आर 100% चांसेस प्रेसिडेंट साइन कर देगा. जो प्रेसिडेंट ने साइन किया, उसमें खैर क्वेश्चन ही नहीं है कि वो नोटिफाइड नहीं होगा. सो द सेम थिंग इज नोटिफाइड. और कहाँ नोटिफाई करते हैं आप उसे? इट इज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजेट. ऑफिशियल गजेट इज भारत का राजपत्र. सारे के गवर्नमेंट नोटिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपके ओजी में पब्लिश होते हैं.
ओजी कल दिखाता हूँ इसमें, कहीं मेरे इसमें लैपटॉप में कहीं तो सेव्ड होगा। तो आपने उसे कहाँ नोटिफाई किया? ओजी में नोटिफाई किया। अच्छा, जो भी आप नोटिफाई करते हैं ना, इस नोटिफिकेशन में एक इफेक्टिव डेट लिखी होती है। क्या लिखी होती है? इफेक्टिव डेट। इफेक्टिव डेट मतलब किस दिन से ये पर्टिकुलर बिल लॉ बनेगा। और जैसे इट इज नोटिफाइड, दिस बिल विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रपोजल, इट बिकम्स एन एक्ट। वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जो प्रोसेस आपका सेंट्रल लॉ के लिए है, सेम प्रोसेस आपका स्टेट लॉ के लिए है। बस डिफरेंस ये कि वहां पर लोकसभा राज्यसभा नहीं होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। प्रपोजल, डिस्कशंस, अप्रूवल, सिग्नेचर्स, नोटिफिकेशन, गजेट, दैट इज हाउ इट बिकम्स अ स्टेट लॉ। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो पावर्स सेंटर में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, स्टेट में सेम पावर्स चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। अच्छा, जो पावर्स स्टेट में प्रेसिडेंट के पास होते हैं, स्टेट में वही पावर्स किसके पास होते हैं? गवर्नर, राज्यपाल। And we have dual structure of government. Dual structure में one of the highlighting features is distribution of powers. हमारे पे powers दो forms में divided है, in fact दो levels पर divided है, पहला center, दूसरा state. Done? ये part clear है? चलिए। अब थोड़ा सा आगे चलना। अच्छा, तो एक बात तो क्लियर है, प्रेजेंट लॉ अगर हम लोग बात करते हैं कि अपने यहाँ पे लॉ किस फॉर्म में बनता है, सो लॉ हमारे पे बनता है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स है जिसके थ्रू हम लोग कोई ना कोई प्रेजेंट लॉ बेसिकली इनैक्ट करते हैं। याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे कोई लोड नहीं है, आगे सब पढ़ना है आपको वापस से। डन। चलिए, अच्छा उसके बाद अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। अच्छा, अब जो आप ओरिजिन की बात करते हो कि बेसिकली लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फिर कहाँ से वो पहला थॉट आया कि भाई यहाँ से एसेंशियली लॉ स्टार्टेड, एक बार आप वो पार्ट समझना। जैसे अभी आप इतने सारे एक्ट्स, इतने सारे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, हम लोग सब चीज़ों की बात करते हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं अपने यहाँ पे, बहुत सारे आपके यू नो मैकेनरी लॉज हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। अब इनका कोई ना कोई तो बैकग्राउंड रहा। आप आज से 100 साल पहले अगर देखते हैं तो ऑफकोर्स वी हैड लॉज, जब आप ब्रिटिशर्स के टाइम पर देखते हैं वी हैड लॉज, मतलब ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इंडिया में आया, इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज इंडियन लॉ इज इंस्पायर्ड बाय और इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लॉज, बेसिकली ब्रिटिश लॉज। तो जो आपके ब्रिटेन के स्ट्रक्चर्स थे, सेम के सेम स्ट्रक्चर्स इंडिया में भी हम लोगों ने फॉलो किया, राइट। इनफैक्ट आज भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ ब्रिटिशर्स, वो बिल्कुल यूके जैसा ही है। क्यों? क्योंकि इट वॉज ओरिजिनली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश लॉज, राइट। तो वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरीके के लॉज बने। नाउ ब्रिटिशर्स के पहले अगर आप देखते तो वी हैड मुगल्स, है ना। अच्छा, मुगल्स के पहले अब आप और पीछे जाओगे, खैर बहुत सारी कम्युनिटीज थी जो यू नो इंडिया में आए और जिन्होंने भारत में राज किया। अच्छा, उसके पहले मोनार्की थी अपने यहाँ पे, मोनार्की मतलब राजा महाराजा होते थे, तब ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट 545 मोदी और राहुल गांधी वाला फंडा ही नहीं था, है ना। तब राजा महाराजा होते थे, अलग अलग स्टेट्स होते थे। उस वक्त के स्टेट, मैं अभी आज के प्रेजेंट स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र इज अ स्टेट, मैं इन स्टेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकली डिवाइडेड स्टेट्स हैं। मोनार्की में क्या होता था, रूलिंग स्टेट्स होते थे। रूलिंग स्टेट्स मतलब मेरे एक पर्टिकुलर एरिया है,
दूसरा एक राजा है उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, इफ़ आई कॉन्कर हिम उसका किंगडम अगर मैं जीत जाऊँ तो वो मेरे इसमें आ जाता था। और इस तरीके से लोगों ने अपने अपने अलग अलग स्टेट्स बना लिए थे, राइट, मतलब राज्य होते थे उस वक्त, राइट। अच्छा, अब उस वक्त जस्टिस का फंडा क्या था, जस्टिस आज भी है, आज वो जो जस्टिस वाला पार्ट है हम लोगों ने किसे दे दिया, वो हम लोगों ने कोर्ट्स को दे दिया, कि जहां पर भी न्याय अन्याय, राइट, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इफ यू हैव टू डिसाइड अपॉन दैट आप क्या करते हैं, यू गो टू कोर्ट, है ना। अच्छा, कुछ चीजें म्यूचुअल बेसिस पे हो जाती है, हम लोग बात करके और हम लोग केसेस खत्म कर देते हैं, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टीज आर नॉट इन अग्रीमेंट, राइट, तो उस केस में द लास्ट रिसॉर्ट लेफ्ट इज कोर्ट, राइट। तो आज वो जो जस्टिस वाला पार्ट है, जुडिशरी वाला पार्ट है, वो हम लोगों ने किसे दे दिया, दैट वॉज इवेंचुअली पास्ड ऑन टू द कोर्ट्स। अब आज से आप 300 साल पहले 400 साल पहले अगर बात करोगे ना, तो कोई कोर्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं था उस वक्त। राजा होता था, उसकी एक सभा होती थी, प्रजा होती थी, प्रजा को जो भी तकलीफें होती थी, दिक्कतें होती थी, तो वो राजा के पास जाते थे, वहां पर फिर सुनवाई होती थी, जिसे आप आज हियरिंग बोलते हैं, राइट, सुनवाई होती थी, और फिर राजा डिसाइड करता था कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, जो राइट था उसे कॉम्पनसेशन मिलता था, जो गलत था उसे पनिशमेंट मिलती थी। तो एट दैट पॉइंट द राइट टू डू जस्टिस वॉज गिवन टू द किंग, राइट, वो हम लोगों ने किसको दिया था, राजा को दिया था, एंड दैट इज वाई राजा को उस जमाने में सबसे ऊंची पदवी दी जाती थी, राइट, क्योंकि ही हैड वन पावर विथ हिम वॉज विच वॉज टू गिव जस्टिस, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज कुछ चेंज आ गया, स्ट्रक्चर फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि अथॉरिटीज अलग अलग हो गई, राइट। अच्छा, उसे और थोड़ा पीछे चले जाओगे आप लोग, तो जब राजा नहीं होता था तो लोगों में समझ ही नहीं थी। अच्छा, जैसे आज भी आप देखना, इनफैक्ट बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें करोगे, अभी सबरीमाला मंदिर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, सैंक्टिटी ऑफ विमेन हैज़ बीन क्वेश्चन्ड, देन अगेन सबके अपने अपने कुछ थॉट्स है, रिलीजियस थॉट्स पे बहुत ज़्यादा भाषण देना somehow it is not democratic in India, तो आप बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के बारे में ज़्यादा भाषण दे दो तो पता नहीं कुछ अलग तरीके से चीज़ें सामने आती है। बट anyway, पहले लोग कैसे डराते थे, इनफैक्ट आज भी होता है, जैसे हम जैन लोगों में ना वो पर्यूषण होते हैं, आई थिंक ऑल द जैन्स प्रॉब्ली वुड कनेक्ट, तो वो पर्यूषण होते हैं, वो 7-8 दिन आप जमीगन मत खाओ, मतलब ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती है वो सब आप नहीं खाते हो, और सुबह शाम दिन रात प्रार्थना करनी होती है, और कुछ 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 बहुत सारे फंडे होते हैं, आई एम वीक विथ ऑल दोज थिंग्स, बट होती है, सब मान्यताएँ हैं। यू डू फास्टिंग, जैन वाला फास्टिंग मतलब थोड़ा अलग लेवल का होता है कि दिन भर कुछ नहीं खाना है, पानी पियो तो गर्म पानी, उसे गली नहीं उतरता गर्म पानी, वो गर्म पानी पिलाते हैं, मान्यताएं हैं। आप करो तो माई मदर से पुण्य मिलता है, अगर आप नहीं करो तो एज पर हर दैट्स अधर्म, और फॉर एवरी अधर्म देर इज पाप, ये ग्रंथों में लिखा है। तो जो ओरिजिनल थॉट था जस्टिस का, राइट, इट वॉज नॉट एन एक्ट एंड रूल और रेगुलेशन, इट वॉज पाप एंड पुण्य। तो जो पहला बेसिस थॉट, यू नो, जो लॉ का आया जब पहली बार, इट वॉज फेल्ट दैट वी हैव द सिस्टम ऑफ लॉ इन इंडिया और लॉ इन दिस सोसाइटी और लॉ इन दिस प्लैनेट, इट केम इन द फॉर्म ऑफ पाप एंड पुण्य, राइट। इंडिया में पाप पुण्य है, मेरे को समझ में नहीं आया अमेरिका में पाप पुण्य कभी क्यों नहीं हुआ, बट इंडिया में ठीक है, मानते थे हम लोग, और हम लोगों ने बहुत रिलीजियसली फॉलो किया, इनफैक्ट आज भी फॉलो करते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं, वो गणपति जी वाला कौन सा बुधवार होता है, मंगलवार होता है, मंगलवार होता है, मंगलवार को लोग नॉनवेज नहीं खाते, एंड आई ऑलवेज एंड अप आस्किंग द सेम क्वेश्चन, ऑल्दो आई नो द आंसर दैट नो वन विल हैव एन आंसर। बहुत सारे मेरे से फ्रेंड्स हैं, मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते और बुधवार को मुर्गे के मुर्गे चबा जाए साले, हाँ तो खाते। अब मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि यार मंगलवार को नॉनवेज नहीं, गणपति जी का वार है तो नॉनवेज नहीं खाते, तो मैंने बोला उस दिन क्या होता है, मतलब मुर्गे को काटोगे तो दर्द नहीं होगा उसको, हमेशा मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है और उनका एक ही आंसर रहता है, यार तू फालतू की बातें मत कर, तू तेरे काम से काम रख, तू वो घास फूस खा। वेजिटेरियंस को लोग घास फूस बोलते हैं कि घास फूस खाते, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड अग्री टू यू नो दिस नोशन, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अभी भी वेजिटेरियन से, वेजिटेरियन फूड में ऑप्शन ही नहीं होते खाने के पास, 70 किलो का हूँ, ऑप्शन नहीं होते। तो सोचे अपने अपने, वो मानते लोग अपने अपने हिसाब। अब इसका कोई आंसर तक कोई आंसर नहीं दे पाया कि मंगलवार को क्यों नहीं खाना। मैंने बोला अब आप बुधवार को खाते हो, सोमवार को खाते हो, खाओ मंगलवार को भी ना, कौन से गणपति जी अपने बुक्स में लिख रहे हैं कि तूने मंगलवार, अब तू आ ऊपर, तेरे को भी मुर्गा बनाऊंगा मैं अगले जन्म में, डजंट हैपन, राइट। लेकिन मान्यता है। अच्छा, क्यों मान्यता है? अब मैंने आपसे पूछा, आप सेम चीज किसी और से पूछोगे, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स कि आपने मंगलवार को खाने से मना किया, क्यों मना किया,
एक ही आंसर आएगा, पाप लगता है। अच्छा आपने पूछा क्यों पाप लगता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है पाप लगता है, फालतू की बातें मत कर, फालतू तेरे को बोला ना पाप लगता है, मतलब पाप लगता है, बात खत्म। नाउ देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू इट, उन्होंने बोला पाप लगता है मतलब आपको मानना है कि पाप लगता है। आने वाली जनरेशन, आपके बाल बच्चे होंगे, मंगलवार को मुर्गा लेके आएंगे घर पे, बस आज कल खाना, आज फ्रिज में रख ले कल खाना, अच्छा क्यों आज क्यों नहीं खाना, पाप लगता है। क्यों पाप लगता है, सेम क्वेश्चन, आंसर किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सोच है, राइट, वो मान्यता है जो जनरेशन बाय जनरेशन हम लोगों ने पास की। अच्छा वो अब बचपन में आई एम श्योर देखा आप सबकी वो बचपन की कुछ टेल्स होती हैं, कुछ स्टोरीज होती हैं, सबको ऐसा बताते हैं कि डराते हैं बच्चों को कि अगर आपने ये किया ना तो भगवान आपको पनिश करेंगे। मॉडर्न लोग बोलते हैं पनिश करेंगे, जो थोड़े देसी लोग होते हैं गर्म कढ़ाई में तलेंगे तेरे को ऊपर जाएगा, तो ये सोच है, अब है ना, आप सब लोगों ने सुना होगा ना, मेरे को भी बहुत सुना है। फिर वो जैसे सीड्स आप किसी के खा लो तो बहुत बार होता है ना बच्चे वो सीड्स खा लो तो बोलो पेट में पेड़ लग जाएगा, और मैं कसम से सोचता था कि अगर मेरे पेट में पेड़ लगे, मैं इतना सा तो हूँ उसमें, इतने से पेट में अगर पेड़ लग गया तो वो कहाँ से बाहर आएगा। तो यू नो ये सब थॉट्स थे, राइट। अच्छा ये क्यों किया, मेन पर्पस क्या था, ये इस तरीके के थॉट्स सोसाइटी में लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज द क्वेश्चन। हम श्योर सबकी कुछ अलग अलग ऐसे स्टोरीज होगी, सबको अलग अलग तरीकों से डरा, चाय से काले होते हैं, कसम से वो थॉट मेरे अंदर आज भी इतना इंस्टिल्ड है, इट डजंट हैपन, मतलब बेवकूफी है, चाय से काले, चाय का रंग काला तो मैं भी काला, मतलब जितनी चाय मैं पीता हूं ना कोई नहीं पीता, और ठीक है मैं इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं, क्योंकि बोलते कि चाय पी के काला हो गया साला, तो चाय से काले होते हैं। और मैंने सच में पढ़ा है, मैंने गूगल पे चाय पढ़ने से काले होते हैं क्या, गूगल नोज एवरीथिंग, गूगल बाबा इज वेरी स्मार्ट, नोज अबाउट एवरीवन एवरीथिंग। तो मैंने पूछा गूगल, गूगल बोला नहीं होता ऐसा कुछ, लेकिन डीप विद इन वो थॉट्स आपके उस एज में इंस्टिल कर दिए ना, कि कभी चाय का मग मेरे हाथ में आता है ना इमीडिएटली मेरे दिमाग साला काला हो रहा हूँ क्या मैं, तो क्यों, क्योंकि एट दोज वेरी बेसिक पॉइंट्स वो थॉट्स आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं, पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, राइट, कल्चर का पार्ट है वो, क्यों करते हैं लेकिन ये सब। हाँ जी हाँ, सो दैट यू डोंट डू इट, सिंपल, राइट, आपको प्रिवेंट करने के लिए, आपको प्रोहिबिट करने के लिए आप वो सारी एक्टिविटीज ना करो, इसके लिए वो समाज में एक थॉट आ गया। तो अच्छा इन सब का मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, एक अच्छा इफेक्टिव सिस्टम आप सोसाइटी में बना सको सो दैट पीपल कैन हैव पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ देयर लाइफ, दैट वॉज द सोल आइडिया ऑफ फ्रेमिंग लॉस नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, राइट। तो इतने सारे धर्म आए, इतने सारे ग्रंथ आए, इतने सारे गुरु आए, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग थॉट्स बताए। अच्छा अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ थॉट्स ऐसे थे जिससे लोग यूनाइट हुए, कुछ ऐसे थॉट्स थे जिससे लोग डिवाइड हुए, राइट, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग ग्रंथों को मानने लगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका मीनिंग बहुत चेंज हो गया, डाइल्यूट हो गया, बट अगर आप सोल देखते हो, व्हाट लाइज एट द सेंटर इज Every law or every framework of law had one purpose, was to have peaceful enjoyment of life of the people. कि लोग शांति से अपना जीवन बिताएं और ऊपर निकल लें। अच्छा वो भी आपने सुना होगा, अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग मिलता है, नहीं तो नर्क मिलता है, स्वर्ग में बड़ी सुंदर सुंदर परियां होती है और नर्क में तो बहुत गंदे गंदे, आपने वो सब उसके लॉजिक सुने होंगे। तो हाँ इंसान, अच्छा कौन मरने के बाद वापस आया कि यार इतनी ब्यूटीफुल थी ना, एकदम कटरीना कैफ जैसी लग रही थी, रोज मेरे को हवा लगाती इधर इधर से कर, Who went and came back? मानते हैं लेकिन लोग, और deep within, believe it or not, मुझे भी पता है आप consciously इस चीज़ को विश्वास नहीं करते, लेकिन सबके अंदर ये thought है और सब बहुत sincerely मानते हैं कि अगर हमने अच्छा कर्म किया ना, अच्छा कर्म किया ना तो हमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो हमको नर्क मिलेगा, right? At least जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो definitely करते हैं। तो कुछ थोड़ा एक अलग टाइप की कम्युनिटी होती है जिनको ऐसा लगता है कि there is no God, मुझे भी नहीं पता देर इज गॉड और देर इज नो गॉड, मैंने भी कभी देखा नहीं साक्षात, बट सबका अपना अपना फेथ। अच्छा भगवान को बनाने का क्या तरीका, मूर्तियां बन गए, बुद्ध ऐसे दिखते हैं, महावीर स्वामी ऐसे दिखते हैं, 2500 साल पहले आए, किसने देखा 2500 साल पहले, DSLR तो नहीं होता था कि सेल्फी विद बुद्धा, इट इज नॉट देयर, राइट। अब हाँ किसने देखा बुद्ध को, क्या है, सिर्फ काया है ना, सोच है और कुछ नहीं। और उन सबका मेन पर्पस क्या था, मेन ऑब्जेक्ट ये था, वो नव दुर्गा जैसे वो राक्षसों का वध करना है, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के औजार हथियार रहते हैं, एंड शी कैन फाइट विथ मल्टीपल हैंड्स, तो शी कुड शूट लाइक दिस, शी कुड डू लाइक दिस, शी कुड डू लाइक दिस, तो वेरियस फॉर्म्स, राइट।
वो अलग अलग उनके थॉट्स से वो अलग 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 वो सब तंत्र मंत्र आ गए, बहुत सारी चीज आ गई। किसकी काया थी है? वो माता जी आपको बता के गई कि मेरी ड्राइंग ऐसी बनाना, मेरे को शेर के ऊपर बिठाना, पोज साइड से लेना, सोच राइट, एक थॉट था। और हाँ, अब मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट क्या था अल्टीमेटली? सेम, पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। सो व्हाट लाइज एट द सेंटर इज दिस थॉट। और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस जिस तरीके से थॉट्स चेंज हुए, लोगों की सोच बदली, उसके हिसाब से फ्रेमवर्क ऑफ लॉ चेंज हुआ। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले शायद ही एक्ट्स और एनैक्टमेंट्स की जरूरत नहीं थी, बट एज पीपल गॉट एजुकेटेड, एज दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट, तो जरूरत थी कि एक रिटन लॉ, एक कोडिफाइड लॉ हो। एंड दैट इज वाई वी हैव ऑल दीज लॉज इन, नॉट इन इंडिया बट ग्लोबली अगर आप देखोगे तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लॉ राइट। तो अब इस चैप्टर में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, आपको ना वही सब कुछ देखना है कि ओरिजिनली लॉ क्या था, किस फॉर्म में था, कौन से ऑथर ने लॉ को किस तरीके से डिफाइन किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉ की डेफिनेशन किस किस तरीके से चेंज हो गई राइट, इज एसेंशियली द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। समझ में आ रहा है सबको? चलो,